पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। आप हैरान होंगे मेरे जेब में कभी पैसा नहीं होता। आपकी माँ आपको बड़े प्यार से पैसे पकड़ाती हैं, आप उन पैसों का क्या करते हैं? एक तो मेरी माँ ने मुझे जो हमेशा क्या देती है, ज्यादा से ज्यादा शायद एक बार 11 रुपया दिया था, ज्यादा से ज्यादा। तो नारियल और मिश्री मिली थी ज्यादा ज्यादा, लेकिन एक बार उसने मुझे 5,000 रुपया दिया। अच्छा, 5,000 रुपया। तो मैं सरप्राइज था जी। तो सुबह मैं जन्मदिन था तो माँ को मिलने गया, तो उसने मुझे 5,000 रुपये दिए। मैंने कहा माँ क्या बात है? तो बोले ये कश्मीर, उस दिन उस समय कश्मीर में बाढ़ आई थी। अच्छा, तो माँ ने कहा कि उनको दे देना। तो मैं इन पैसों को कहीं ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन दे देता हूँ, फिर बता देता हूँ कुछ कर लेना। आप हैरान होंगे मेरे जेब में कभी पैसा नहीं होता है, मैं कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो एक बार मैं कहीं गया तो कोई कार्यकर्ता रिसीव करने आएगा, मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे, जो रिसीव करने वाला आना था वो बेचारा पहुँचा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, जहाँ जाना था उसका पता नहीं था, ऑटो रिक्शा को पैसे दूँ क्या करूँ, मैं खड़ा रहा बड़ी देर तक। जब वो आया तो बाद में उसको लगा कि तो मैं चला गया हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। 2-3 घंटे के बाद मेल बैठा, तब जाकर मैं पहुंचा। पैसे वैसे रखता नहीं मैं। घाट की तरफ जा रहे हैं, आपको कभी मिस करते हैं आपकी अकेले घूम सके ऐसे चाय की दुकान पर रुक जाए? मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। मेरा जीवन जो बना है वो पहाड़ों में बना है, नदियों के बीच बना है, और मैं आज भी उस जिंदगी को जीना पसंद करता हूँ, लेकिन संभव नहीं रहा है और मेरे पास त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यही है मेरी अपनी इच्छाएं, उसी को मैं त्याग कर दिया। घर पर भी खुद से चाय बना पाते हैं अपने? अभी भी मैं खाना पका सकता हूँ जी। अच्छा, हाँ। आपकी फेवरेट क्या है? क्या बढ़िया बढ़िया क्या बनाते हैं? बढ़िया बढ़िया जैसे ऐसा है, देखिए मैं जिंदगी ऐसे मैं ये लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ, अब किसी के गले नहीं उतरे गए लोगों के घर में, इसलिए खाने का कोई बचा जो। अच्छा, मैं कभी बता करके नहीं जाता था, जाता था पड़ा है तो खाता था वरना चलाता था, ऐसे जिया हूँ। लेकिन कभी दफ्तर आ जाता था और रात देर से आया तो खिचड़ी बड़ा सरल होता था, खिचड़ी बना देता था। 4:30-5 बजे उठना, पूरा दफ्तर में झाड़ू लगाना, पोता करना, फिर सबके लिए चाय बनाना और 5:20 को सबको उठाना। फिर हमारे यहाँ एक RSS में प्रातः स्मरण होता है, तो प्रातः स्मरण होता था, सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं, फिर सबको चाय परोसता था, उसके बाद शाखा चला जाता था, फिर आकर के सबके लिए नाश्ता बनाता था। तो पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। अच्छा। सबको मैं खिलाता था और फिर कोई 10 बजे स्नान करता था, फिर मैं डाक पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, और फिर किसी के घर खाना खाने के लिए चला जाता था। तो ये मेरी जिंदगी रही थी, ये ऐसी जिंदगी मैंने कोई 2-2.5 साल बिताई थी।